गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे सुंदर बात यह है कि जो हम चाहते हैं वो तो पूरा होता ही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो हम नहीं चाहते, जिसके बारे में हम डरते हैं और लगातार सोचते जाते कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो भी हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जितना हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उतना उस चीज़ पर फोकस जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या फिर यूनिवर्स को ये नहीं समझता कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में या नेगेटिव। उसे बस ये समझ आता है कि किस चीज़ के बारे में ये इंसान बार बार लगातार सोचता जा रहा है। तो जब भी हम किसी चीज़ के लिए डरते हैं, डाउट लेते हैं, कन्फ्यूजन होता है हमें, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसी एक नेगेटिव पॉइंट पर फोकस करके बैठते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, है ना। तो हम जितना नेगेटिव आउटकम पे फोकस कर रहे हैं उतना हम उसे एनर्जी दे रहे हैं सच होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए। तो आज का मैसेज ये कहता है कि अगर आपने पास्ट में कभी नेगेटिव सोचा है या कुछ समय पहले तक भी आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जो पावर है मैनिफेस्ट करने की वो अभी प्रेजेंट टेंस में चलती है। तो आप अभी से, इसी मोमेंट से अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे तो अच्छे सिग्नल्स यूनिवर्स में सेंड होंगे और वो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। सो जितनी भी एनर्जी, फोकस, पावर आपके अंदर है, उसे डर में और टेंशन में इन्वेस्ट करने के बदले जो आप आउटकम चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करिए। इन शॉर्ट, जो चाहिए वही सोचिए, वही बोलिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना और बोलना नहीं है। दैट्स इट। सो यही था आज का मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल डे।